हर आदमी को गुमान है अल्लाह ताला मेरे पे बड़ा मेहरबान है, जिससे पूछो क्या हाल है, बड़ा अल्लाह का करम है, क्यों कार बंगला है करम नहीं तो और क्या। और दूसरे से पूछते हैं कि क्या हाल है, बड़ा करम, क्यों इतना बुढ़ा हूं इतनी सेहत है, करम नहीं तो और क्या। और तीसरे से पूछते हैं क्या हाल है, बड़ा करम, क्यों गरीब खानदान से था इतना बड़ा अफसर बन गया, करम नहीं तो और क्या। और हम कहते हैं अगर तुम इसको करम समझते हो तो तुम्हारी नादानी है। और ये चीजें तो काफरों को भी दी हैं, जो काफरों को दी वो तुमको दी, तुम्हारे पर क्या करम हुआ है। अगर तुमने उसके करम देखना कि वाकई उसका करम तुम्हारे ऊपर है तो उसके जिक्र में लग जाओ। वो आयत है कि क्या ईमान वालों के दिल, वो वक्त नहीं आया है कि उनके दिल जिक्र अल्लाह में झुक जाए, उसके जिक्र में झुक जाओ। दो चार पांच छह दिन में अंदर से अल्लाह अल्लाह शुरू हो गई, उसका करम हो गया। अज़्करुनी अज़्करुकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। जिक्र उसी का किया जाता है जिससे दोस्ती हो जाए। अगर कोशिश के बावजूद अल्लाह अल्लाह नहीं जमता, उल्टा वैशित होती है, उल्टा इसके खिलाफ हो गए तो तुम्हारे पर अब का कोई करम नहीं। अगर करम होता तो तुमको अपने नाम लेवाओं में लेता। अपने आप को पहचानने का राज मैं क्या हूं, मेरा मुर्शिद क्या है और मुझ पे रब कितना करीम है, यही एक कसवटी है।